आज का टॉपिक शुरू करते हैं 10th क्लास साइंस के लिए। तो हमने जब जीव, निर्जीव, सजीव और समपोषी, विषमपोषी पौधों के बारे में जाना, यह भी हमने पढ़ लिया था। हम अध्ययन करते हैं कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त करते हैं। तो आप सबको पता है कि जो हमें ऑक्सीजन मिलती है वो हमें पेड़ पौधों से मिलती है, और जो हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो हम छोड़ते हैं वो हमें जो गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस, वो ग्रहण करती है पेड़ पौधे। पेड़ पौधे का जो सिस्टम है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑब्जर्व करती है और ऑक्सीजन है वो निष्कासित करती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त करती है, उसके अंदर रंध्र होती है, रंध्र होते हैं जो छोटे छोटे मेन जो होते हैं वो छिद्र होते हैं, जो पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों में से होता है, लेकिन ये जानना आवश्यक है कि गैसों का आदान प्रदान तने, जड़ और पत्तियों की सतह से भी होता है। इन रंध्रों से पर्याप्त मात्रा में जल की भी हानि होती है। अतः जब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता नहीं होती है, तब पौधा इन छिद्रों को बंद कर लेता है। जब CO2 की आवश्यकता नहीं होती है तो ये जो छिद्र होते हैं वो बंद हो जाते हैं। छिद्रों का खुलना और बंद होना द्वार कोशिकाओं का एक कार्य है। द्वार कोशिका में जब जल अंदर जाता है तो वो फूल जाते हैं और रंध्र का छिद्र होता है वो खुल जाता है। इस तरह जब द्वार कोशिकाएं सिकुड़ती है तो छिद्र बंद हो जाता है। उपरोक्त दो क्रियाकलाप के आधार पर क्या हम ऐसा प्रयोग कर सकते हैं जिससे प्रदर्शित हो सके कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। अब तक हम ये चर्चा कर चुके हैं कि समपोषी अपनी ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति कैसे करते हैं, लेकिन जब उन्हें भी अपने शरीर के निर्माण के लिए अन्य कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है, इसलिए पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल की पूर्ति जड़ों द्वारा मिट्टी में उपस्थित जल के अवशोषणों से करते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, लोहा, मैग्नीशियम सहित के अन्य पदार्थ भी मिट्टी से लिए जाते हैं। नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन तथा अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किया जाता है। इस अकार्बनिक नाइट्रेट का नाइट्राइड के रूप में लिया जाता है। इन्हें उन कार्बनिक पदार्थ के रूप में लिया जाता है जिन्हें जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन से बनाते हैं। विषमपोषी पोषण, प्रत्येक जीव अपने पर्यावरण के लिए अनुकूलित है। भोजन के स्वरूप एवं उपलब्धता के आधार पर पोषण की विधि विभिन्न प्रकार की हो सकती है। इसके अतिरिक्त ये जीव के भोजन ग्रहण करने के ढंग पर भी निर्भर करती है। उदाहरण के लिए, यदि भोजन स्रोत अचल है या गतिशील है, जैसे हिरण, दोनों प्रकार के भोजन का अभिगम का तरीका भिन्न भिन्न है, तथा गाय व शेर किस पोषक उपकरण का उपयोग करते हैं। जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने और उसके उपयोग की अनेक युक्तियाँ, कुछ जीव भोज्य पदार्थों का विघटन शरीर के बाहर की ओर कर देते हैं और तब उनका अवशोषण करते हैं। फफूंदी, यीस्ट, मशरूम आदि कवक इसके उदाहरण हैं। अन्य जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थों का अंतग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन शरीर के अंदर होता है। जीव द्वारा किस भोजन का अंतग्रहण किया जाए तथा उसके पाचन की विधि उसके शरीर की अभिकल्पना कार्यशैली पर निर्भर करता है। घास, फल, कीट, मछली या मृत खरगोश खाने वाले जंतुओं के अंतर के बारे में क्या सोचते हैं? कुछ अन्य जीव पौधों और जंतुओं को बिना मारे उनके पोषण प्राप्त करते हैं। ये पोषक युक्ति अमरबेल, खिलनी, जू, लीच और पितापकर्मी तरीके बहुत से जीवों का उपयोग होता है। जीव अपना भोजन कैसे करते हैं? क्योंकि भोजन और उनके अंतग्रहण की विधि भिन्न है, भिन्न जीवों में पाचन तंत्र भी भिन्न है। एक कोशिक जीवों में भोजन संपूर्ण सतह से लिया जा सकता है, लेकिन जीव की जटिलता बढ़ने के साथ साथ विभिन्न कार्य करने वाले अंग विशिष्ट हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, अमीबा कोशिक के सतह से अंगुली जैसे अस्थायी पर्णवर्ध की मदद से भोजन ग्रहण करता है। ये पर्वत भोजन के कणों को घेर लेते हैं तथा संगठित होकर खाद्य रिक्तिका बनाते हैं। खाद्य रिक्तिका के अंदर जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है और वे कोशिका द्रव्य में विस्तृत हो जाता है। बच्चा वापस पदार्थ कोशिका की सतह से प्रगति करता है, शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है।
इसकी कोशिका का भी एक निश्चित आकार होता है तथा भोजन एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण किया जाता है। भोजन इस स्थान तक पक्षाप की गति द्वारा पहुंचता है तो कोशिका की पूरी सतह को ढके होते हैं। मनुष्य में पोषण आहार नाल मूल रूप से मुंह से गुदा तक विकसित एक लंबी नली होती है। हम इस नली के विभिन्न भागों को देख सकते हैं और भोजन हमारे शरीर में एक बार प्रविष्ट हो जाता है उसका क्या होता है, हम यहाँ प्रक्रम की चर्चा करते हैं। हम तरह तरह के भोजन खाते हैं जिन्हें उसी भोजन नली से गुजरना होता है। प्राकृतिक रूप से भोजन को एक प्रक्रम से गुजरना होता है जिसे हम उसी प्रकार के छोटे छोटे कणों में बदल जाता है। हमें दांतों से चबाकर पूरा कर लेते हैं क्योंकि आहार का स्तर बहुत कोमल होता है अतः भोजन को गीला किया जाता है ताकि इसका मार्ग आसान हो जाए। जब हम अपनी पसंद का कोई पदार्थ खाते हैं तो मुँह में पानी आ जाता है। यह वास्तव में केवल जल नहीं है, यह लाल ग्रंथि से निकलने वाला एक रस है जिसे लाल रस कहते हैं, लार कहते हैं। जिस भोजन को हम खाते हैं उसका दूसरा पहलू उसकी जटिल संरचना, इसका अवशोषण आठ नाल द्वारा करना होता है, उसे छोटे अणुओं में खंडित करना होता है। काम जो उत्प्रेरक द्वारा किया जाता है जिसे एंजाइम कहते हैं। लार में भी एक एंजाइम होता है जिसका लार एमिलेस कहते हैं। मंड जटिल अणुओं को जल शर्करा में खंडित कर देता है। भोजन को चबाने के दौरान पेशी जीवा भोजन को लार के साथ पूरी तरह मिला देती है। हर भाग में भोजन की नियमित रूप से गति उसके सही ढंग से परिक्रमित होने के लिए आवश्यक है। यह कर्मानुगंचक गति पूरी भोजन नली में होता है। यह पाचन कार्य आमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथि के द्वारा संपन्न होता है। यह हाइड्रोलिक अम्ल एक प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन तथा सेलेमा का स्रावण करते हैं। हाइड्रोलिक अम्ल एक अम्लीय माध्यम तैयार करना होता है। पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है। आपके विचार से अम्ल और कौन सा कार्य करता है? सामान्य परिस्थिति में सेलेस्मा आमाशय के आंतरिक स्तर के अम्ल से रक्षा करता है। हमें बहुत वयस्कों को एसिडिटी तथा अम्ल की शिकायत करते सुना होगा जिसका संबंध उपरोक्त वर्णित विषय से होता है। आमाशय से भोजन तथा शुद्धांत में प्रवेश करता है, यह अवरोधनी पेशी द्वारा नियंत्रण होता है। शुद्धांत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, अत्यधिक कुंडलित होने के कारण यह सहत स्थान में अवस्थित होती है। विभिन्न जंतुओं में शुद्धांत्र की लंबाई उनके भोजन के प्रकार के अनुसार अलग अलग होती है। घास खाने वाले शाकाहारी का संश्लेषित पचन लंबी शुद्धांत की आवश्यकता होती है। मांस का पाचन सरल होता है, बांझ जैसे मांसाहारी की शुद्धांत्र छोटी होती है। शुद्धांत्र कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा के पूर्ण पाचन का स्थल है। इस कार्य के लिए यकृत आग्नेय से स्रावित प्राप्त करती है। आमाशय से आने वाला भोजन अम्लीय है और आग्नेय के एंजाइम की क्रिया के लिए क्षारीय बनाया जाता है। यकृत से स्रावित पीतरस इस कार्य को करता है। ये कार्य वसा पर क्रिया करने अतिरिक्त है। शुद्धांत्र में वसा बड़ी कोलिकाओं के रूप में होता है जिससे उस पर एंजाइम का कार्य करना मुश्किल हो जाता है। पीत लवण उन्हें छोटी गोलिकाओं में खंडित कर देता है जिससे एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। यह साबुन का मेल अथवा अम्लीकरण की तरह ही जिसके विषय में हम अध्याय चार में पढ़ चुके हैं। आग्नेय रस का श्रावण करता है जिसे प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। अम्लीकृत वसा का पाचन करने के लिए लाइपेज एंजाइम होता है। शुद्धांत्र की भित्ति में ग्रंथि होती है जो आंतरस स्रावित करती है। इसमें उपस्थित एंजाइम अतः प्रोटीन का अमीनो अम्ल जटिल कार्बोहाइड्रेट को शरीर ग्लूकोज में तथा वसा को अम्ल तथा ग्लिसरीन में परिवर्तन कर देता है। पचित भोजन को मातृ की भित्ति अवशोषित कर लेती है। शुद्धांत्र के आंतरिक स्तर पर अनेक अंगुली जैसे पर्वत होते हैं, दीर्घरोम कहते हैं। भोजन को अवशोषित करके शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाते हैं। इसका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने के लिए नए ऊतकों के निर्माण और पुराने ऊतकों की मरम्मत में होता है। बिना पाचन भोजन वृद्धांत्र में भेज दिया जाता है। दीर्घरोम उस पदार्थ में से जल का अवशोषण कर लेता है और अन्य पदार्थ गुर्दा द्वारा शरीर के बाहर कर दिया जाता है। यह वजह पदार्थ का बहिष्करण गुर्दा अवरोधनी द्वारा नियंत्रित होता है। सबसे पहले जो खाना है मुँह में, उसके बाद में गले के बाद जो नली होती है उसमें चला जाता है, फिर ये देखो मानव पाचन ठीक है। तो यहाँ से देखो ये भोजन इस तरीके से आता है, फिर आमाशय में चला जाता है, शुद्धांत्र जो यकृत होता है, वृद्धांत्र होता है, फिर ये गुदा द्वार होता है। यहाँ से मानव का पाचन क्रिया बताया गया है।